सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ यूनियन टेरिटरीज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। ये मैं इस टॉपिक को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पूरा ये दिखा रहा है मैप में, मेरा माउस से कर्सर आप देख रहे हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर बोलते थे और इसमें 370 लागू था, तो उसके बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहे थे उस 370 के। वहाँ के लोगों ने मिसयूज नहीं किया, लेकिन जो पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ के कुछ लोगों ने यहाँ पे गलत धारणाएँ फैलाई, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को बहकाया और उन्होंने उसको गलत मिसयूज के रूप में लिया। तो जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि अब उसको भाई दो भागों में बांटते हैं। बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा भी था, वो उन्होंने उसको पूरा किया। अब देख रहे हैं ना, ये पहले पूरा था एरिया यहाँ तक, लेकिन अब इतना जो पोर्शन देख रहे हैं येलो कलर का, ये जम्मू एंड कश्मीर है। और इसकी कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर इसको इतना भाग दिया, भाग में बांट दिया है। और जो लद्दाख है उसकी कैपिटल लेह है। जो ये जो ये वाला पोर्शन अब ऐसे देखते हैं, ये क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर है, बहुत पहले लोगों ने लिया था। और इस तरफ हल्का सा ये इतना पोर्शन इन्होंने ले लिया, किसने? चीन के, इन्होंने भाई साहब ने फ्री गिफ्ट कर दिया। दोनों अभी इन लोगों के कब्जे में हैं, लेकिन है हमारा, कब्जे में होने से कुछ नहीं होगा, है हमारा। और बहुत जल्द हम इसको भी, जिस धोखे से उन्होंने हमसे छीन लिया था या कब्जा कर रखा थोड़ा बहुत, वो हम कब्जा करेंगे। अभी इसको पीओके बोलते हैं, एक दिन आने वाला ये एरिया ही हमारा होगा, बहुत जल्द ही। रणनीतियाँ बनी हुई हैं, आगे के फल आप देखते जाइए। यहाँ पे भी ये भी सब पूरा हमारा ही है, बस थोड़ा सा ना उनके चीन के थोड़े से कब्जे में इस एरिया का, यहाँ तक का जो बॉर्डर लाइन है। और जितना पूरा जो लद्दाख है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, बाइक राइडिंग करने आते हैं, बुद्धिस्म है, ये एरिया है। कारगिल में जो युद्ध हुआ था, आप कारगिल को देख रहे हैं मैप में, यहाँ कारगिल का युद्ध हुआ था हमारा। अभी जो पुलवामा आपने देखा, पुलवामा अटैक हुआ, तो आप मैप में देखिए, ये पुलवामा है। अनंतनाग हो गया, बुदगाम हो गया, शोपियाँ हो गया, पुंछ हो गया, राजौरी आप देखते हैं आता है, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गंजेबाल, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, सांभा, उधमपुर और जम्मू। तो ये जो एरिया है पूरा, ये जम्मू कश्मीर है। और ये जो एरिया है ये लद्दाख, लद्दाख में ये लेह और कारगिल आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा प्लेस है, आपने देख लिया। ये पूरा जो है ये हमारा ही देश है, मुकुट है हमारे देश का, ये हमारे देश की शान है। अब जो मुजफ्फराबाद आप देख रहे हैं कहाँ पर पड़ रहा है, कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे सटा हुआ है। मीरपुर भी पाकिस्तान के बॉर्डर में सटा हुआ है, पुंछ भी सटा हुआ है, राइसा, रामबन, उधमपुर, देखे मैप में माउस से कर देते हैं, कठुआ हमारी इसमें दरी है पंजाब साइड से, सांभा, पूरी जो हमारी आर्मी है इसी बॉर्डर पर ऐसे लगी रहती है, इसकी रक्षा करती रहती है। वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे देश का जो मैप है थोड़ा सा चेंज हुआ है। बस जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था, यहाँ पे तिरंगा फहराने में लोग धमकियाँ देते थे, आज वहीं पे ही हम बहुत शान से तिरंगा फहराते, पहले ही फहराते थे, लेकिन कुछ लोगों के मुंह ज़्यादा चलते थे तो उनका मुंह बंद किया गया केवल। दोस्तों आपने मैप देखा, प्राउड फील कीजिए मैप देख करके, और खुशी और दिमाग बसा लीजिए कि कौन से स्टेट कहाँ पर पड़ रहे हैं। दोस्तों आज इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।